आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं मेट्रो हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। नमस्कार, सी टीवी मिथिला में आपका स्वागत है, मैं लवली झा। दो दशक बाद फिर से दरभंगा की हवा में फिर से चीनी की मिठास घुलने वाली है, क्योंकि तिरहुत इंडस्ट्रीज ने रयाम चीनी मिल को फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस इलाके के लोगों का बहुत पुरानी मांग है, अब रयाम चीनी मिल बंद कर रहेगा। श्री तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जीएम चंद्रशेखर सिंह ने रयाम चीनी मिल के बनाए जाने हेतु विधिवत कार्य प्रारंभ कर दिया है। जेसीबी ट्रैक्टर और अभियंता की टोली लेकर मिस्त्री लग गए हैं। परिसर से लेआउट के बाद जमीन की खुदाई के साथ ही अन्य कार्य प्रारंभ हो गई है। चीनी मिल में लगने वाले मुख्य मशीन के साथ एक पेराई वायरल कूलिंग वाटर इत्यादि जगहों को चिन्हित कर पुणे की हाईटेक इंजीनियर कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियर महेश ढगे अपने टीम के साथ कार्य प्रारंभ कर दिया है। वहीं तिरहुत इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जीएम श्री चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि शीघ्र ही भवन निर्माण की सामग्री मंगवा कर निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 500 टीसीबी क्षमता की चीनी मिल के साथ साथ 28 मेगावाट बिजली उत्पादन व 60 के एलटी इंथेनॉल बनाने की फैक्ट्री भी लगाई जाएगी। पूना से इंजीनियर्स जो थे, जो डिजाइन के लिए, ड्राइंग के लिए, लेआउट के लिए आना था, वो आ गए हैं और लेआउट पूरी कर दी उन लोगों ने। उसके अनुसार से हमने मशीनें लगा दी है, फाउंडेशन जो बड़े बड़े आइटम्स हैं, मील हैं, बॉयलर्स हैं, पावर हाउस हैं, इनका मैं तैयार करा रहा हूँ और खुदाई करने के बाद फिर इनकी राफ्टिंग वाफ्टिंग करा करके तैयार करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस तरह से हमारा काम चलता रहा तो हम दिसंबर तक धुआं निकाल भी सकते हैं। अगर होगा तो महीना दो महीने की और देरी हो सकती है, पर अगले सत्र में हम भी चला देंगे। क्षेत्र में मतलब रोजगार का एक नया अवसर उत्पन्न हो रहा है, और रोजगार में केवल टेक्निकल ही ना हम बाहर से ले सकते हैं जो स्किल्ड होंगे, बाकी सब तो जितने क्षेत्र हैं हम इसी क्षेत्र में लेंगे। और क्षेत्र का विकास तो इसलिए है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो मालिक हैं वो इसी बिहार के रहने हैं, अगर इनकी कोई भी कमाई भी होगी वो बिहार के अंदर ही रहेगी। हम लोग जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टाफ हैं सभी बिहार के ही हैं, और ये जो भी कमाई होगी और नॉन टेक्निकल स्टाफ में हम जितने को रखेंगे हम इधर के ही लोगों को इंगेज करेंगे। इस तरह से उनके क्वालिफिकेशन होगा, जिस तरह से उनकी पढ़ाई होगी, जिस तरह से उनके प्रशिक्षण होगा, और प्रशिक्षण भी दे करके हम उनको स्किल्ड करेंगे। एक बात और, चीनी मिल के साथ आप यहाँ क्या क्या लगाने जा रहे हैं? चीनी मिल के साथ हमें एक पावर प्लांट है 28 मेगावाट का और 60 केएलपीडी की इथेनॉल प्लांट है। इनकी माने तो इंडस्ट्रीज से उत्पादन के साथ लोगों को रोजगार भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। आपको बताते चलूं कि इस चीनी मिल की स्थापना 1914 में दरभंगा महाराज द्वारा की गई थी और 1973 में राज्य सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। देश व विदेश में अच्छी किस्म की चीनी उत्पादन के लिए मशहूर इस फैक्ट्री को 1995 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि पुराने मॉडल की जर्जर मशीन के कारण इस चीनी मिल की उत्पादन क्षमता कम हो गई थी। लेकिन मिल बंद होने के बाद तत्कालीन एनडीए सरकार ने इसे चालू की वकायदा शुरू कर दी थी और 15 अप्रैल 2010 को तत्कालीन ओएस गणपति मिश्र ने तिरहुत इंडस्ट्रीज को मिल की चाबी सौंपी। तब कंपनी के एमडी ने 2011 में मिल चालू कराने की घोषणा की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया था। वहीं स्थानीय शिव कुमार लाल दास मानते हैं कि जिस समय यह मिल चालू था उस वक्त यह क्षेत्र काफी खुशहाल था और यहाँ की बनी चीनी अंग्रेज उपहार के रूप में इंग्लैंड ले जाया करते थे, लेकिन समय की मार ने इस मिल को धीरे धीरे कमजोर करते गया और अंत में यह मिल बंद हो गया। अब जब फिर से चीनी मिल शुरू होने की खबर मिथिलांचल के किसानों और स्थानियों को लोगों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ की रयाम चीनी मिल की चीनी सौगात में अंग्रेज ऑफिसर लोग इंग्लैंड ले जाते थे, इसकी इतनी उम्दा चीनी उत्पादन होती थी। फिर बाद में धीरे धीरे आती गई, पॉलिटिक्स घुसती गई, नई सरकार बनी, देश की
इसमें ह्रास होता गया, फिर भी टुकदुम ये चलती रही, ईंट का खरीद होता रहा, अगर मशीन खराब होती थी तो फिर मरम्मत करा करके भी चलता रहा। 1995 के बाद ये पूरी तरह ठप हो गई। ठप होने के बाद यहाँ के किसान मजदूर इसके कर्मचारी के सामने भुखमरी आ गई। धीरे 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 सरकार ने कुछ पैसा दिया, एक उत्पादक किसानों का बहुत बड़ा बकाया हो गया, लोगों के उपनयन मुंडन और बेटी की शादी रुक गई, इस पैसे के भरोसे हुआ करता था, उसे सब रुक गया। दुष्परिणाम हो गया इसका कि उसके बाद जो ये पूरी तरह ताला लगी तो लगातार बंद थी। अब जाके श्री तिरहुत इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने इसको खरीद किया, इसके पुराने सारे पार्ट्स यहां से ले गए और नई मिल चलाने का वादा किया। अब लगता है कि बनाएंगे। डीएनसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कंपनी के कार्यालय ने बुधवार को तालाबंदी कर दी गई है। एक तरफ जहां सामान आपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ, वहीं मजदूरों ने मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर काम ठप कर दिया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अस्पताल के भवन निर्माण कार्य को सामान आपूर्तिकर्ताओं एवं मजदूर ने बंद करा दिया है। सामान आपूर्तिकर्ताओं ने निर्माण कंपनी के कार्यालय में तालाबंदी कर दिया, वहीं मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि सामान आपूर्ति करने वाले कंपनियों एवं एजेंसियों तथा मजदूरों का भुगतान कई दिनों से लंबित है। विमान कंपनी के पदाधिकारी ने अंतिम तिथि 19 मई को भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसको लेकर आक्रोशित आपूर्तिकर्ताओं ने बुधवार को निर्माण कंपनी के कार्यालय जो डीएमसीएच परिसर में ही है उसमें तालाबंदी कर दी। आपूर्तिकर्ताओं ने कहा कि जब तक उनका भुगतान नहीं होता तब तक वह लोग कार्य नहीं करने देंगे। जी भाई, इनको पैसा देना है, हमको पैसा हम दे नहीं पाए हैं। हमको जो है ना जीएसटी के अगेंस्ट में 2,22,00,000 रुपया हाइट से मिलना है, जो जिसको मिलने में देरी हो रही है। जैसे ही वो पैसा मिलेगा हम पेमेंट करा देंगे। स्वीकार करते ना कि इनका पैसा बाकी है? बिल्कुल स्वीकार करते हैं। तो फिर क्या वार्ता क्या हुई है जो आज ये लोग उर होके व्यवसाय लोग आकर के ताला मारे हैं? वार्ता यही हुआ है कि समय ज़्यादा लग रहा है। समय का जो हमने जो कमिटमेंट किया था फर्स्ट कमिटमेंट, उसके हिसाब से हाइट से हमको पैसा नहीं मिल पाया और हम आगे भुगतान नहीं कर पाए। जैसे भुगतान होगा मैं जरूर। फिर अब क्या करेंगे सर? अभी फिलहाल तो चल रहा है, अभी देखिए हाइट्स ऑफिस में हमारा इनका नोएडा ऑफिस में मीटिंग चल रहा है हमारा ऑफिस का इनका। हो सकता है कि आज कुछ रिजल्ट निकले या कल निकले। जैसे ही भुगतान होगा इमीडिएट भुगतान कर दिया जाए। क्या शुभ नाम हो गया सर आपका? आर के वर्मा। क्या है आप? प्रोजेक्ट मैनेजर डीसीएल। एलएनएमयू के ललित कला संकाय विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में आधुनिक रंगमंच और विभिन्न वाद विषय सौदाहरण व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के विशेषज्ञ संतोष राणा ने संबोधित किया। आधुनिक रंगमंच आधुनिकता इस तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि एक पूर्व पीढ़ी का जो है रंगमंच के इतिहास पर एक दृष्टिपात करने की जरूरत है। जो हमारे पास लिखित प्रमाण के तौर पर है 534 बीसी ईसा पूर्व में यूनान में नाटक होने का प्रमाण हमें मिलता है। तब से लिखित रूप से नाटक होने की बात हमारे सामने है। उसके बाद जब यूनान साम्राज्य यूनान के ऊपर ग्रीक रोमन ने अधिपत्य जमाया तो रोमन साम्राज्य के समय में भी रंगमंच होता रहा और उसमें मामूली सा बदलाव हुआ। उसके बाद रोमन साम्राज्य में जब क्रिश्चियनिटी ने जगह बना ली तो रंगमंच के ऊपर थोड़ा संकट आना शुरू हुआ। धर्म ने रंगमंच पर एक नियंत्रण खड़ा किया और रंगमंच संकट में आ गया। बाद में ऐसा हुआ कि चर्च में लोग को बुलाने के लिए नाटक को फिर से चर्च में जगह दी गई।
चर्च के ऐसा होता था कि एक प्रोजेक्ट पेरेंट का कॉन्सेप्ट क्या फना 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 चौराहे पर नाटक किया जाएगा और विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में एक व्याख्यान साधारण व्याख्यान का आयोजन किया गया है। विषय है आधुनिक रंगमंच और विविध पाठ और इस व्याख्यान को देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची के संतोष राणा जी और यह व्याख्यान हमारे नाट्य विधा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें पाठ्यक्रम में इस विषय को रखा गया है परंतु जानकारी बहुत कम मिल पाती है और ये विशेषज्ञ हमारे इसी विषय के जानकार और विद्वान हैं। इसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को अवश्य मिलेगा और इस सत्र के की अध्यक्षता कर रहे हैं इस विभाग के ही पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्रा जी। आपका क्या नाम है? मैं लावण्य कीर्ति, विश्वविद्यालय संगीत नाट्य विभाग। दरभंगा लहरिया सराय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में डीएम चंद्रशेखर के सिंह की अध्यक्षता में की गई। उज्ज्वला योजना के तहत जिले के 24 गांव को धुआं रहित गांव बनाने हेतु चयन किया गया है। इस 24 गांव में कुल 7,377 परिवार रहते हैं। इनमें से 5,455 परिवार पूर्व से अथवा उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लिए हैं। सिर्फ 1915 परिवार शेष बच गए हैं जिनके पास या तो आवश्यक कागजात नहीं है अथवा अपेक्षित रुचि नहीं है। इन्हीं परिवार पर ध्यान देकर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उज्ज्वला गैस योजना के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभकों को अनुसूचित जाति जनजाति के सभी परिवारों को सभी अति पिछड़ा परिवारों को अत्यंत योजना के सभी लाभकों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। जिला पदाधिकारी महोदय ने उपस्थित सभी गैस वितरकों को सालाना निःशुल्क गैस कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित कर कनेक्शन देने का निर्देश दिया। लक्ष्य के अनुरूप निःशुल्क गैस कनेक्शन नहीं देने वाले एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जिला के 3 अनुमंडल पदाधिकारी को अपने स्तर से गैस वितरकों के साथ बैठक कर निःशुल्क गैस कनेक्शन देने की प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश दिया गया है। जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों के RTPS काउंटरों पर राशन कार्ड से संबंधित आवेदन पत्र लेने का भी निर्देश दिया गया है कि राशन तेल वितरण खाद्य वितरण की भी विस्तार से समीक्षा की गई है। जिला प्रबंधन SFC ने बताया कि कई महीनों के खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण जन वितरण प्रणाली विक्रेता के बीच कर दिया गया है। आधार सीडिंग का भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी गणों को जन वितरण प्रणाली के दुकानों का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। इस बैठक में सहायक संवर्ता सह प्रशिक्षुक IAS विवेक कुमार मैत्रीय प्रभारी जिला आपूर्ति जिला पदाधिकारी शत्रुधन कामती तीनों अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार जिला प्रबंधक SFC सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी किरासन तेल के थोक विक्रेता जिला के गैस वितरक एवं अन्य कर्मीगण उपस्थित थे। ललित मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक छात्र संघ कार्यालय में हुई जिसमें छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न समस्याओं को दूर करने की दिशा में चर्चा हुई। CTV मिथिला के पूरी टीम के साथ मैं लवलीजा विदा लेती हूँ। नमस्कार। हम लोग एकत्रित हुए हैं तो एक निर्णय लेने के लिए कि खासतौर पे जो छात्राएं हैं महिला कॉलेज जितने भी हैं वहाँ पे सुरक्षा को लेकर या फिर पठन पाठन को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है जितना अन्य कॉलेजों को मिलता है। महिला कॉलेजों को अनुदान जो सरकार ने फ्री कर दिया कि फ्री शिक्षा छात्राओं को PG तक मिलनी चाहिए लेकिन फिर भी छात्राओं से शुल्क लिया जा रहा है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के हम एक बैठक कर रहे हैं और सरकार के द्वारा दिया जाएगा जो विश्वविद्यालय कैंपस तक छात्र छात्राओं के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगी कम कीमत में। बाघ मोड़ बेला मोड़ से छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था रहेगी रिंग बस सेवा की। इसके लिए जल्दी हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलेंगे, वो फिर यहाँ से अनुशंसा करके सरकार को भेजेंगे परिवहन मंत्रालय को, वहाँ से फिर हम लोग को उसमें किया जाएगा रिंग बस सेवा।
और भी बहुत सारा मुद्दा पठन पाठन से जुड़ा, मुख्यतः छात्र का जो समस्या, छात्रावास का जो समस्या, उसको एकत्रित करके और आज नहीं दो तीन दिन में हम लोग कुलपति महोदय से इसके लिए मिलेंगे। दो तीन दिन में उनसे वार्ता की जाएगी इस मुद्दे पे, एक हम लोग का ज्ञापन तैयार होगा, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उसका जल्द एक शॉर्ट पीरियड में 10 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के अंदर उसका निदान करना होगा कुलपति महोदय को। इसके लिए आज हम लोग ये बैठक करते हैं। सीटीवी मिथिला के पूरी टीम के साथ मैं लवलीजा विदा लेती हूँ। नमस्कार। वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी, सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, बेहतरीन गेहूं से बना, घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न।